हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ GTA ऑनलाइन के बारे में। तो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा ऐसे पांच फीचर्स के बारे में जो काफी अंडररेटेड हैं। तो आप लोगों ने उन फीचर्स को यूज तो किया होगा, गेम में भी देखा होगा, लेकिन उस फीचर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से फीचर्स हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है, GTA ऑनलाइन एक ऐसा गेम हो गया है कि जो सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम बन गया है। यानी कि इसकी जो पॉपुलरिटी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एंड इसने अभी तक 5 सालों की बात करें तो अरबों का कलेक्शन किया हुआ है गेम की। और जो इसका लॉस सैंटोस ट्यूनर वाला है उससे सबसे ज्यादा यूजर्स बढ़े हैं इस गेम में। एंड दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को ऐसे फीचर्स के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता एंड वो काफी ज्यादा अनरेटेड है। तो चलिए एक एक करके मैं बात करता हूँ उसके बारे में। तो दोस्तों, जो मैंने नंबर 5 पर रखा है उस फीचर का नाम है प्लेयर कस्टमाइजेबिलिटी। यानी कि GTA 5 ऑनलाइन एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें आप लोग अपने कैरेक्टर को अपने मुताबिक चुन सकते हैं। यानी कि चाहे उसका लुक हो या फिर उसका कैरेक्टर डिजाइन करना हो या फिर कोई भी वियर्ड लुक हो या फिर मतलब कुछ भी करना हो ना, तो आप अपने हिसाब से इसमें इसको चुन सकते हैं। फीचर आप लोगों को पता है लेकिन आप लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते। आप अपना जल्दी से कैरेक्टर चुन लेते हैं एंड बस उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो GTA 5 के अंदर जो स्टोरी मोड है इसमें आप कितने कैरेक्टर चूज कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी इसको ट्राई नहीं किया होगा कि आप अपने हिसाब से कुछ भी मतलब कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। मतलब जो अगर बात करें तो कस्टमाइजेबल प्रोटोगोनिस्ट का आप लोगों को इसमें एक फीचर मिलता है। अपने हिसाब से आप कैरेक्टर को चुन सकते हैं, उसको स्टोरी मोड में डाल सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा फीचर है जो आप लोगों ने इसके बारे में काफी कम सुना होगा। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा अगर तो जो चौथे नंबर का फीचर उसका नाम है कंटेंट क्रिएटर। यानी कि GTA ऑनलाइन गेमों के अंदर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी फ्रीडम के हिसाब से अपना कोई भी जैसे रेस ट्रैक डिजाइन करना हो, कार डिजाइन करना हो, अपने ट्रैक्स पर अपनी रेस कोई भी करना हो, तो ये आप लोग इसमें कर सकते हैं। ये फीचर्स आपके गेम में अवेलेबल रहता है। इसके थ्रू अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करना चाहते हैं और एक रेसिंग करना चाहते हैं जो आपने ट्रैक्स बनाए हुए हैं, रेसिंग ट्रैक्स रहते हैं, तो आप लोग उसमें कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यार इसका जो फीचर्स काफी मॉडिफाइड है, इसमें आप लोग जो रियलिस्टिक व्यू रहते हैं या फिर ग्राफिक मोड रहते हैं काफी यार ऑसम देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये वाला फीचर्स भी आप लोगों ने काफी कम यूज किया होगा, आप लोग कम रेस वगैरह करते होंगे, तो मुझे लगता है ये फीचर्स भी आप लोग के लिए नया होगा। तो आप लोग इसको भी यूज करिए एंड कंटेंट क्रिएट कीजिए अपना जाके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। इसके बाद जो फीचर है उसका नाम है इंटरेक्शन मेनू। दोस्तों, आप लोगों को GTA ऑनलाइन के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जो काफी कम देखा गया है, उसका नाम है इंटरेक्शन मेनू। यानी कि इसमें आप लोग वॉइस चैट हो गया, व्हीकल एक्सेस करना हो गया या फिर ईटिंग स्नैक्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ करने का मौका मिलता है इस फीचर के अंदर। और आप लोग इसमें एक सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी विजुअल हो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो लॉस सैंटोस ट्यूनर है ना, उसमें अभी इस फीचर को ऐड किया गया था एंड उसमें इनेबल कर सकते हैं इस फीचर को। एंड इसमें आप लोग राइजिंग और लोअरिंग भी कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा फीचर है, लोग इसको देखते नहीं हैं एंड काफी कम इसको जानते हैं। तो जो नेक्स्ट फीचर है उसका नाम है ज्वाइनिंग या क्रिएटिंग क्रू। यानी कि रॉकस्टार का गेम आप लोगों को ज्वाइनिंग या क्रिएटिंग क्रू करने का फीचर अवेलेबल करता है। यानी कि आप मैक्स 3 पायन मल्टीप्लेयर मोड में भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसके अलावा अपना खुद का क्रू बना सकते हैं या फिर कोई जो पहले से क्रू है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है एंड आप लोग एक ऐसे क्रू का मेंबर बन सकते हैं जो काफी ज्यादा यूनिक है। एंड इसमें आप लोग 3 पायन मल्टीप्लेयर मोड में जाकर इसमें मैच खेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी काफी अच्छा फीचर है, आप लोग इसको भी जरूर ट्राई करिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबसे मोस्ट अंडररेटेड फीचर के बारे में जिसका नाम है एम्पायर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इस फीचर को आप लोगों ने सुना तो होगा लेकिन काफी कम यूज करते होंगे। तो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फीचर है जो GTA ऑनलाइन गेम्स है ना। इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक विटल एस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग GTA ऑनलाइन यानी कि एक आपराधिक साम्राज्य गठित करने का मौका मिलता है। इसमें आप लोग कई ज्यादा प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं एंड जो रनिंग गेम है उसमें काफी ज्यादा मल्टीपल जॉब भी कर सकते हैं। तो ये भी फीचर काफी अच्छा है, इसमें आप लोगों को काफी कुछ करने को मिलता है, आप लोग बिजनेस करने का मौका मिल जाता है। तो जो एक बिजनेस मैनेजमेंट है इसको सबसे पहले GTA 5 जो सैन एंड्रियास गेम है ना उसके अंदर इसको फीचर्ड किया गया था एंड GTA Vice City में इसको रिवाइंड भी किया गया था। तो ये भी फीचर काफी अच्छा है,
वैसे बात करें तो एक बेसिक फीचर है गेम प्ले में, लेकिन वैसे नजरिए से देखा जाए तो इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग उसमें कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो एक काफी अच्छा एक प्रकार से फीचर है जिसमें आप लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं GTA Vice City के अंदर या फिर GTA गेम्स के अंदर। तो काफी अच्छा फीचर है यार दोस्तों, यानी कि आप लोगों को इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों यही थे 5 फीचर, काफी अंडररेटेड हैं जिनके बारे में काफी कम लोग बात करते हैं, अगर बात करते भी तो किसी एक फीचर को लेकर बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऐसे सारे फीचर्स में बता दिए कि इन फीचर्स की मदद लेकर भी आप अपने गेम को काफी डेवलप कर सकते हैं एंड अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे एंड मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई फीचर अच्छा लगा हो तो उसकी कमेंट में बता देना। एंड चलिए मिलते हैं, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।